साथियों को कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं EORO भर्ती के बारे में। आप सभी को पता होगा EORO का इतना बवाल क्यों मच रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बीकानेर सब में नकल करने में आगे रहा है, तो उसमें EORO में भी नकल की है। तो बीकानेर का वो कौन शख्स है जो नकल करवाने में आगे रहा था, और वो बीकानेर का है या अदर ज़िले का है, कहाँ का है, वो अब जानते हैं इस सेशन के अंदर। लास्ट तक आप देखना, और इसके अंदर कोई भी और भी नई अपडेट है तो मैं आपको बता देता हूँ। EORO का रिजल्ट भी जल्दी आने की पूरी संभावना है, और आंसर की वगैरह जारी हो चुकी है, हो जाएगी, ऐसा प्रक्रिया चल रहा है, प्रक्रिया में है सब कुछ। आपका जल्दी सब कुछ काम करने का सोच रही है सरकार, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि आपका अभी तक ये सुलझाड़ा नहीं हो रहा कि RO की भर्ती में जो पेपर था वो लीक हुआ था। उसके लिए 5 दिन की पूछताछ में आरोपी ने एक सहयोगी का नाम उगला, 5 दिन तक उनको मारपीट करते रहे आरोपी को, तब जाके एक नाम उगला, अच्छी तरीके से उनके बारे में बताया। तो वो अब जानेंगे इसके बारे में कि कौन है वो जो तुलसा राम आपका मास्टरमाइंड, वो जो नकल करवाने में सबसे आगे रहा है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। क्राइम रिपोर्टर बीकानेर की ओर चाहिए, देख सकते हैं RO भर्ती सालासर धर्मशाला में रची गई नकल की साजिश, नकल करने की सालासर धर्मशाला में रची गई साजिश थी ये। रेवेन्यू ऑफिसर RO की परीक्षाओं में ब्लूटूथ लगी विग से नकल कराने की आरोपी पकड़े गए। नकल गुरोह सरंगना तुलसाराम कालेर ने नकल की पूरी साजिश सालासर की धर्मशाला में रची थी। 5 दिन चली पुलिस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि तुलसाराम ने जांगलू निवासी मनोज कुमार, नयाशेर के महेंद्र कुमार और राशिसर निवासी पवन मंडा की नकल साजिश रचने के लिए सालासर की धर्मशाला में बुलाया था, जहां सभी मिलकर परीक्षा में नकल करने की प्लानिंग की थी। SP तेजस्वी ने गौतम ने बताया कि आरोपी तुलसाराम से पुलिस ने 5 दिन तक पूछताछ की है, तब जाके ये बताया कि किस टाइप से हम आपको नकल करवाएंगे। पुलिस ने रिमांड पर लिया, उन्होंने बताया कि 5 दिन की पूछताछ पर अनिल नाम सहयोगी नाम से उगला है, एक अनिल नाम से और नाम आया है, जिसे जल्द गिरफ्तार किया लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में बीकानेर पुलिस 14 मई को आरोपी मनोज कुमार और महेंद्र कुमार और पवन कुमार मंडा ब्लूटूथ लगी विंग के साथ परीक्षा केंद्रों से गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में उनका नकल गिरोह के सरंगनाथ तुलसाराम का नाम लिया। पुलिस ने 26 मई को नागौर सीमा की एक ढाणी से तुलसाराम को गिरफ्तार किया था। अब इसके अंदर बात करें कि तुलसाराम कौन है, तो तुलसाराम को बारे में जानिए। चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम से संचालक तुलसाराम कालेर चूरू जिले का रामपुर देवानी का रहने वाला है। वर्ष 1991 में पुलिस में भर्ती हुआ था, और 1994 में हवाला एक मामले में जब्त राशि अपने पास रखने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद 2007 में उसने RAS का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें 19वीं रैंक आई थी उसकी। ये तुलसाराम है मास्टरमाइंड, RAS खुद ने पास किया है, फिर भी नकल के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। देख सकते हैं आपके सामने ये तुलसाराम का खुलासा मैंने आपको बताया है। मुझे नहीं लगता कि इस नकल गिरोह से आपकी रद्द हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर 5 पोस्टें दिखाई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पोस्टों पे, और साथ में नकल वालों को पकड़ भी लिया है और तुलसाराम को भी अच्छी तरीके से पकड़ लिया है। तो फिर पॉसिबल नहीं है कि भर्ती आपकी रद्द होगी, आपकी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है और आगे बढ़ते रहिए, और अपना सफलता पर हाथ बांटिए। और ऐसे तो नकल होती रहती है, होता रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं, बट आप निश्चिंत रहिए। आपका जो भी है ये टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, आप पूरी आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा और उम्मीद करते हैं आज आपको निर्णय मिल गया होगा कि आगे की अब EORO की नकल पे जो भी वीडियोज है देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका EORO का भर्ती जो है वो निरंतर रूप से प्रक्रिया में रहेगी, काम होगा, सब कुछ होगा, ज्वाइनिंग होगी, सब होगा, लेकिन रद्द होने की पॉसिबिलिटी 0 है। इस मामले के रिपोर्ट के अनुसार तो मैं यही मानता हूँ, और आगे का जो भी निर्णय होगा आपको मैं बता दूंगा अखबार कटिंग के अनुसार, यह भी अखबार कटिंग के अनुसार मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
सेशन अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।